हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल रंजन सर ट्रिपल एस एस 88। फ्रेंड्स, फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ तैयार हूं आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक और इम्पोर्टेंट जो हर एक कंपटीशन के लिए आपको काम देगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, शाहजहाँ के द्वारा निर्मित प्रमुख इमारत। तो फ्रेंड्स, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मुगल शासक शाहजहां के द्वारा बहुत सारे इमारत बनाया गया था, और उस इमारत को कैसे याद करें, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक लाया है। फ्रेंड्स, मत जा रेशमा दीवानी, अपने दीवानी को याद कर सकते हैं अपने दीवानी का नाम लेकर के, मत जा रेशमा दीवानी। अब देखिए, इसकी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे एक प्यार भरा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाया गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। नोट, हमारे चैनल पे हर एक कंपटीशन से रिलेटेड बेसिकली और ट्रिकी सॉल्यूशन ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। शाहजहां के द्वारा निर्मित प्रमुख इमारत, मत जा रेशमा दीवानी। ट्रिक याद करने का है, बस थोड़ी सी मैटर में तो याद हो गई, अपनी दीवानी को तो याद करना है। मत जा रेशमा दीवानी, तो म का मतलब क्या होता, त का मतलब क्या होता, जा का मतलब क्या होता, रे का मतलब, स का मतलब, मा का मतलब और दीवानी। तो चलते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। म का मतलब हो गया मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ दे फ्रेंड्स कि मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था, तो आप आसानी से बता सकते हैं उस ट्रिक को याद करके, मत जा रेशमा दीवानी शाहजहां के द्वारा निर्मित है। उसके बाद त का मतलब वही फ्रेंड्स जो बेगम मुमताज के यादगार में बनवाया गया था, ताजमहल। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ताजमहल। और जा का मतलब क्या होता फ्रेंड्स, तो जा का मतलब होता है जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद भी शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, रे का मतलब वही अपने यादगार रेशमा दीवानी, रेशमा बाग। उसके बाद है फ्रेंड्स, स का मतलब अपने ही नाम पे बाग लगवाया था, उस बाग का नाम था शाहजहां बाग, शाहजहां बाग। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ए मां, मां का मतलब मोती मस्जिद, मोती मस्जिद। उसके बाद है फ्रेंड्स, आपका दीवानी का मतलब दीवाने खास। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग को जानकारी मिल सका शाहजहां के द्वारा निर्मित प्रमुख इमारत कौन कौन से हैं। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन आपके पास हो तो हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का पूरा पूरा रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।